पे सबसे पहले देखिए कि सर्वे करके कैसे कमाई होती है। नीचे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्वेज लिखा हुआ आएगा, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है आप 5000 पॉइंट्स तक एक सर्वे पूरा करके कमा सकते हैं। 5000 पॉइंट्स का मतलब हो गया दोस्तों तकरीबन 4000 रुपया एक सर्वे करने का, ओके। एक सर्वे फिल करो और 4000 रुपए कमाओ। क्या आप सर्वे फिल करके 4000 रुपए कमाना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हमें एक चैनल मिला है जिनका नाम है संजीव कुमार। इन्होंने एक वीडियो बनाया है जिन्होंने वीडियो में बताया कि एक सर्वे भर के 4000 रुपए कमाओ। इन्होंने इस पे इस वीडियो पे प्रूफ भी दिखा दिया। तो आज ना इस चैनल के बारे में बात करेंगे कि इस चैनल के करीबन 6 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उसके बावजूद भी लाखों लोग इनके वीडियोस को देख रहे हैं। इनके वीडियोस पे व्यूज़ 2-3 लाख आ जाते हैं, फिर भी ये कैसे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को झांसा दे रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन इनकम सच में करना चाहते हो तो क्या क्या जेन्युइन तरीके हो सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को पता लगेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने क्या गलत चीज़ बताई है। आप देख सकते हैं इन्होंने एक वीडियो डाला है एक सर्वे भर के 4000 रुपए कमाओ, राइट। अब आप अगर इस वीडियो पे जाते हैं तो आपको मैं पहले ये क्लिप दिखाता हूं। ये एक जगह कह रहे हैं कि देखिए एक सर्वे फिल करने का 5000 पॉइंट मिल रहा है और वो 5000 पॉइंट यहां पे 4000 रुपए होते हैं। कैसे ये अपनी ही बात को गलत कह रहे हैं, कैसे ये अपनी ही कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। सबसे पहले देखिए कि सर्वे करके कैसे कमाई होती है। नीचे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्वेज लिखा हुआ आएगा, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ है आप 5000 पॉइंट्स तक एक सर्वे पूरा करके कमा सकते हैं। 5000 पॉइंट्स का मतलब हो गया दोस्तों 7 पॉइंट्स का एक रुपया होता है, तकरीबन 4000 रुपया एक सर्वे करने का, ओके, इस फीचर पॉइंट ऐप के ऊपर। तो आपने दोस्तों सुना इस क्लिप में कि कहते हैं कि भाई 5000 पॉइंट का 4000 रुपए हो जाते हैं, जबकि ये वीडियो में ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि 7 पॉइंट का यहाँ पे आप कह लीजिए कि एक रुपया होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 5000 पॉइंट का 4000 रुपए कैसे हो जाएगा। तो कौन से लेवल का ये मैथ्स लगा रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर 7 पॉइंट का एक रुपये होता है तो 5000 पॉइंट का यहाँ पे 750 रुपए कुछ होंगे अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे। ये तो बेसिक मैथ है, 5वीं के बच्चे को आता है। आप तो खुद HR प्रोफेशनल रहे हो 30 साल से या 10 साल से, जो भी अपने वीडियो में बताते हैं, और फिर भी ये लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि इनकी वीडियो अच्छी चल सके, ताकि इनकी वीडियो पे लोग आ सके, इनको यहाँ पे वॉच टाइम मिल सके, राइट। मैं ऐसे लोगों का मतलब हाईली कंडेम करता हूँ, ऐसे लोगों को, कि आप 6 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठे हो और आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ये अपने वीडियो पे ज़रूर कहते हैं कि हम लोगों से पैसा नहीं लेते, फ्री वाली चीज़ें बताते हैं लोगों को। बट एक बात समझ के देखो, सोच के देखो, जो भी समझदार बंदा है वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि फ्री में कौन सा ऐसा तरीका है जहाँ पे एक सर्वे फिल करने का 4000 रुपए मिल रहा है। आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को, आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे इस फील्ड में काम करते हुए ना इंटरनेट पे 5 साल से ज़्यादा हो गए। मेरी एडटेक कंपनी भी है अर्नशाला, राइट, हमारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारे जगह पे जाता हूँ। रिसेंटली हमें फॉर्ब्स ने भी फीचर किया, आप लोग देख सकते हो ये आर्टिकल 30 जून की जो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो यहाँ पे मैगजीन निकलेगी फॉर्ब्स में, उसमें मेरा एक आर्टिकल मतलब नाम आया है हमारा, जो एक प्रोग्राम हुआ था अहमदाबाद में उसका, राइट, वो भी आप देख सकते हैं। जो स्टॉक जैसी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पब्लिकेशन ने हमें फीचर किया। तो मैं लास्ट 5 सालों से मैंने एनालाइज किया कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जहाँ पे एक सर्वे फिल करके 4000-5000 रुपये आते हैं या डेटा एंट्री करके 1000-2 लाखों रुपये आते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे जब इस तरीके के बड़े चैनल्स लोगों को ऐसी बातें करते हैं तो लोग यहाँ पे इंटरनेट से दूर होते चले जाते हैं, उनको इंटरनेट का पोटेंशियल ही समझ नहीं आता। मतलब होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक छोटे शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको इंटरनेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब आपने ऐसे ही किसी बंदे का वीडियो देख लिया, उसने आपको बता दिया कि भाई डेटा एंट्री करो, लाखों रुपए कमाओ, सर्वे फिल करो, 4000-5000 रुपए पर सर्वे का कमाओ, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये तो बड़ा आसान तरीका है और इंटरनेट से कमाना बड़ा आसान है, तो मेहनत करना ही छोड़ दो। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ऐसे लोग जो इस तरीके के तरीके बताते हैं इस पर काम करते हो। अब आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट नहीं मिलते। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने जो अपने वीडियो में जो एप्लीकेशन बताई है फीचर पॉइंट वो गलत है। फीचर पॉइंट एक जेन्युइन एप्लीकेशन है जो कनाडा की है, 10 मिलियन से ज्यादा उसके डाउनलोड से हमने उस एप्लीकेशन को चेक किया, कोई गलती नजर नहीं आई। बट फीचर पॉइंट ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि वो आपको एक सर्वे करने का 4000 रुपए दे रहा है। फीचर पॉइंट पे काम करोगे ज्यादा से ज्यादा आप महीने का 1000-2500 इस तरीके का पैसा बना सकते हो। मैं आने वाले समय में बात करूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग के क्या क्या जेन्युइन तरीके हो सकते हैं, बट फीचर पॉइंट से इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है।
अब ये अपने वीडियो में कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे फीचर पॉइंट से 2.5 लाख रुपए कमाए हैं। 2 लाख रुपया कमा चुका हूँ। तो आपने 2.5 लाख रुपए कैसे कमाए? आपने यहाँ पे लोगों को रेफर करके पैसे बनाए हैं। ऐसे मैं भी अपनी स्वैगबग वाली वेबसाइट का यहाँ पे आप लोगों को डेटा दिखा सकता हूँ कि स्वैगबग इसी तरीके की एक वेबसाइट है जो सर्वे वगैरह देती है, उससे हमने भी 3-4 लाख रुपए बना लिया। हर महीने 8-10 हज़ार रुपये आता है मेरा, मैं कोई काम नहीं करता है, रेफरल से आता है। बट आप ये सोचिए कि रेफरल वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे कितने लोग कर सकते हैं? ज़्यादातर लोग तो नहीं कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हम उसको इतना बखान क्यों कर रहे हैं उस चीज़ का? मैं एक चीज़ और मतलब यहाँ पे कहता हूँ कि चलो यहाँ पे आज की डेट में बहुत सारे क्रिएटर जो हो गए हैं वो क्लिक बेट वाले थोड़े थंबनेल बनाते हैं, बट आप तो अपने वीडियो के अंदर भी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो। क्या ये एथिकल है? क्या ये चीज़ सही है? क्योंकि आपके जो व्यूवर देखते हैं यहाँ पे वो छोटे शहरों से देखते हैं, गाँव से देखते हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जो भोले हैं, जिनको ऑनलाइन की इतनी नॉलेज नहीं है। वो आपके वीडियो देख के ये सोचते हैं कि इंटरनेट पे कमाई करना बहुत आसान है, अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं, फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो इंटरनेट पे काम करने वाले लोगों को गाली दे रहे होते हैं कि यार इससे कुछ नहीं पड़ा, इंटरनेट पे कुछ नहीं पड़ा। देखो इंटरनेट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आप इंटरनेट से 100 करोड़ रुपये भी बना सकते हो, बट रातों रात नहीं बनते वो। उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो यहाँ पे करोड़ों बन सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप अपने तरफ उन लोगों को देखिए जो इंटरनेट से पैसे बना रहे हैं। कौन लोग होंगे जो इंटरनेट से पैसे बना रहे हैं? जो यहाँ पे कॉन्टेंट बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, जो यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं, राइट, जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसे बंदे की स्टोरी सुनी है जो सर्वे लिख लिख के यहाँ पे एक एक सर्वे फिल फिल करके लाखों करोड़ों रुपए बना रहा है? कोई आपको ऐसा बंदा नहीं दिखेगा इंटरनेट पे, राइट? तो आप खुद ये सोचिए कि इस तरीके के चैनल्स पे अगर आप जाते हो, क्या ये आप ये बताते हैं, देखिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, 6,000 रुपए कमाओ, 0 इन्वेस्टमेंट। हर चीज में इन्होंने 0 इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे यूज कर लिया है, फ्री वाले तरीके यूज कर लिए ताकि ज्यादा भीड़ को ये अट्रैक्ट कर पाए। ज्यादा भीड़ आएगी इनके वीडियो पे, व्यूज आते हैं, व्यूज आते हैं तो इनका यहाँ पे एडसेंस से पैसा बनता है। तो ये खुद कैसे कमा रहे हैं? ये खुद कॉन्टेंट क्रिएट करके बना रहे हैं। भले इनका कंटेंट स्कैम फ्रॉड लग रहा है मेरे को, लेकिन ये उससे पैसे बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? तो मैं आप सबसे ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इंटरनेट पे किसी का भी कंटेंट देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा भी कंटेंट आपने देखा है ना, अगर मैंने उसमें बोला है कि आप 2,000 रुपए कमाओ, आप पहले खुद चेक करो दोस्तों। और अगर आप लोग यहाँ पे जेन्युइन तरीके से पैसा बनाना चाहते हो ना इंटरनेट पे, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये नहीं कहता इंटरनेट से पैसे नहीं बनाए जा सकते, मैंने क्या कहा दोस्तों कि इंटरनेट से बहुत सॉलिड पैसा बनाया जा सकता है। बट वो कैसे बनेगा दोस्तों यहाँ पे? वो यहाँ पे बनेगा इन तरीकों से। देखो इंटरनेट से कमाने के 2 तरीके हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है? अब यहां पे किसी को जल्दी पैसा बनाना है, कोई कहता है सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे 100-500 रुपए भी महीने का बना लूँ, 1,000 रुपए भी बना लूँ महीने का, तो मेरे लिए बहुत है। तो उन लोगों को मैं क्या सजेस्ट करूंगा, वो ऑनलाइन गेम्स वगैरह, सर्वे वगैरह की जो साइट है, पीटीसी वगैरह, उनको यहाँ पे विजिट करें। इससे ज्यादा पैसा नहीं बनता, 1,000-2,500, इतना महीने का बन गया तो बन गया, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके कोई कंट्रोल में कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? उन लोगों के लिए ये तरीका है। और जो ये फीचर पॉइंट ऐप है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। बट अगर आप कहते हैं कि यार मेरे को ना लॉन्ग टर्म यहाँ पे करियर बनाना है, मेरे को यहाँ पे इंटरनेट पे आके छाना है, मेरे को करोड़ों रुपए बनाने हैं, तो मैं आपको ये वाले तरीके बताऊंगा। आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वीडियोस वगैरह बना के, ई बुक्स लिख सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ये वो जेन्युइन तरीके हैं जो आपको लाखों करोड़ों रुपए भी कमा के दे सकते हैं। बट यहाँ पे रातों रात रिजल्ट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, आपका समय लगाना पड़ता है। दिस इज द ओनली रियलिटी। मैं ये वीडियो बना ही उन लोगों के लिए रहा हूं जो संजीव के वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप ना इस चीज को समझ जाइए, दिमाग में लगा लीजिए कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको फ्री में लाखों रुपए कमा के दे दे, यही सच्चाई है। आप अगर ऐसे वीडियोस देखते चले जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करता हूं कि इस तरीके के कंटेंट देखना बंद कर दो। अगर आपको इंटरनेट से जेन्युइनली कमाना है तो इन तरीके पे काम करो, यहाँ पे जेन्युइन रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को यहाँ पे ऐसे प्रिपेयर करो कि मैं यहाँ पे 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल लेके आऊंगा, उस पर डूब जाऊंगा, पहले चीज़ों को खूब सीखूंगा। मान लो आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियोज या ब्लॉगिंग वगैरह करनी है, तो आप ये सीखो कि पहले इस चीज़ को मैं सीख लूँ, पूरा सीख लिया उसके बाद आप यहाँ पे है ना उस पर आओ, काम करो। उसके बाद भी पेशेंस रखना पड़ेगा, एक बिजनेस की तरह है। बिजनेस में जब आप काम करना शुरू करते हो, नेक्स्ट डे रिजल्ट नहीं मिलता है, उसमें टाइम लगता है। वैसे ही आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, तो ही जाके रिजल्ट मिलेंगे, वरना आप इन फ्री के चक्रों में फंस गए, आप अपना माइंडसेट खराब कर लोगे और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो यही मैं कहना चाहूंगा। और अगर संजीव इन वीडियो को देख रहे हैं तो मैं संजीव भाई से, संजीव जी से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, आप उनको इस तरीके की चीज़ें बता के गुमराह ना करें, राइट? उनको सही चीज़ बताइए।
अगर आपने अपने थंबनेल में कोई क्लिक बेट भी किया तो मैं उसके भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप अपने वीडियोज में लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। आप फ्री के वीडियोस बनाते हैं, मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं है, बट लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपके जो वीडियोस देखते हैं वो गरीब घर से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो इस उम्मीद से आते हैं कि ऑनलाइन से वो कुछ पैसा बना सके। मैं नहीं चाहता उनकी उम्मीद खाली जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम भी इस तरीके की डिटेल पे वीडियो बनाते हैं, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की डिटेल में वीडियो देखना, ट्यूटोरियल देखना, पॉडकास्ट देखना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले समय में इस चैनल पे आप लोगों को इसी तरीके का कंटेंट मिलता आया है और मिलता रहेगा भी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो के बाद किसी को हेट नहीं फैलाना है, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए था। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट जब मैंने इस तरीके का कंटेंट बनता देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आप लोगों के सामने मैंने ये इन्फॉर्मेशन साझा की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।